एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल आईक्यू फ्री प्रोग्रामर विद स्किल बेस्ड नॉलेज। कीवी बेसिक टू एडवांस की इस वीडियो में आप लोगों को स्पिनर के बारे में नॉलेज होगी। स्पिनर, जैसा कि आप इंटरफेस देख पा रहे हैं, जैसे ये स्पिनर का बटन दिख रहा हुआ है, सेलेक्ट फ्रूट्स लिखा हुआ है, ठीक है। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो आपके सामने बहुत सारे फ्रूट की मेन्यू आ जाएंगी। इसमें से किसी भी फ्रूट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने पाइनएप्पल को सेलेक्ट किया, पाइनएप्पल आ गया। ओके, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि जब भी मैं कोई भी चीज़ सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो नीचे लिख कर आ रहा है दिस इज़ अ पाइनएप्पल। अभी मैंने अगर पाइनएप्पल की जगह मैं कोई और सेलेक्ट करता हूँ, ऑरेंज, तो दिस इज अ ऑरेंज। अगर मैं स्ट्रॉबेरी को सेलेक्ट करूँ तो देख सकते हैं दिस इज अ स्ट्रॉबेरी लिख कर। तो अब चलते हैं, आपको वो कोड दिखाते हैं और सारे कोड के एक एक लाइन का मतलब मैं समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। सबसे पहले तो मैंने पिछली वीडियो में यह सारी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। तो इस तरह एक सिंपल सा विंडो ओपन हो रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पर एक फंक्शन बनाएंगे और उसमें कोड लिखेंगे। तो हम जल्दी से आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और फटाफट लिख लेते हैं। तो ये रहा आपके सामने कोड। एक फंक्शन बनाया बिल्ड नाम का, एस इक्वल स्पिनर टेक्स्ट इक्वल सेलेक्ट फ्रूट्स, ठीक है। टेक्स्ट जो हमने दिया है सेलेक्ट फ्रूट्स दिया है, जो कि स्पिनर बटन पर सामने आपको नजर आएगा। बैकग्राउंड का कलर मैंने चेंज किया है, इस तरह आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हो। फॉन्ट का साइज दे रखा है, यहाँ पर जो भी सेलेक्ट फ्रूट्स है ये, इसका साइज हम लोगों ने यहाँ बढ़ाना घटाना हो तो इस कोड की मदद से कर सकते हैं। वैल्यू दे रखी है जिसमें एप्पल बनाना जो भी वैल्यूज आएंगी। फिर साइज इंट रखा है जिसका पोजिशन हमारा साइज, जो हमारे बटन की लंबाई चौड़ाई वो यहाँ से आप सही कर सकते हो, ठीक है। इस चीज़ से पोजीशन हमने दे रखी है, यानी कि एक्स एक्सेस 0.5 से और वाई एक्सेस 0.8 तक रहेगा। रिटर्न एस कराया है, मैं इसे रन करा के आपको दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे हो काफ़ी यूनिक सा लग रहा है। अगर मैं इसके साइज को और हम इसके पोजीशन को हटाएं तो कैसे क्या होगा? अगर हम इसे कमेंट कर दें कुछ देर के लिए, ठीक है, या इसे हटा देते हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि पोजीशन क्या है इसकी। ये आपकी पोजीशन हम किस तरह रख सकते हैं, यहाँ पर बिल्कुल किनारे आ गया, अप में आ रहा है, तो मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे तो अपने सेंटर में चाहिए। तो हम इस कोड का इस्तेमाल करेंगे। हम तो अब बात करते हैं साइज हिंट की। तो साइज हिंट में 0.5 है, अगर 0.5 और से हम अगर कम कर दें, 0.4 रख दें, या फिर और लंबाई इसकी बढ़ानी चाहते हैं तो हम 0.7 रख देते हैं। और अब आप देखोगे कि बटन की जो हमारी लंबाई है वो कितनी ज़्यादा चौड़ाई बढ़ चुकी है, और लंबाई भी अगर हम बढ़ाना चाहें तो लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो हम फिलहाल उतना ही रखते हैं, हमारा ये बेस्ट है। अब हमारा ये तो बेस्ट हमारा आ गया है। अब इसे रन करते एक बार फिर से आप लोगों को दिखाते हैं। इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये बटन वर्क भी कर रहा है। बट बटन अभी भी हमने सेलेक्ट को कर लिया है, लेकिन अगर प्रिंट करने को बोल रहा है तो ग्रेप्स को प्रिंट नहीं किया उसने, दिस इज़ अ ग्रेप्स नहीं लिखा, जो कि स्टार्टिंग में मैंने बताया था। तो इसको अगर कराना है तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर उसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका कोड। तो डेफ सो सेलेक्टेड वैल्यू अंडरस्कोर वैल्यू, जो भी हमने इस नाम से एक फंक्शन बनाया है, ठीक है, इसके अंदर जो वैल्यू हमारे स्पिनर टेक्स्ट के अकॉर्डिंग टेक्स्ट को वो प्रिंट कराएगी, ठीक है। तो दिस इज जो भी वैल्यू होगी वो एक्सेस करेगी और प्रिंट कराएगी। ये इस लाइन का मतलब आप समझ लो, एस डॉट बाइंड टेक्स्ट। जब भी हमें कोई बटन को वर्क कराना होता है तो एस डॉट बाइंड उसे बाइंड करना होता है। तो एस डॉट बाइंड कर दिया क्योंकि स्पिनर का वेरिएबल नाम एस है, तो यहाँ पर एस डॉट बाइंड, ठीक है। टेक्स्ट इक्वल सो सेलेक्टेड वैल्यू। अब हम इसे अगर रन कराएंगे तो आप देख पाएंगे सेम उसी पोजीशन में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपको मैंने बनाना किया तो आप देख रहे हैं, मैं आपको चेक कराता हूँ, दिस इज अ बनाना। ओके, डन। स्ट्रॉबेरी, दिस इज अ स्ट्रॉबेरी। अगर मैंगो कराएं तो दिस इज अ मैंगो। तो ये रहा आपका स्पिनर। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।